नमस्कार दोस्तों। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी आया है दोस्तों। यह जो है वैकेंसी दिनांक जो है कांकेर से 10 अक्टूबर को वैकेंसी रिलीज हो गया है और यह दोस्तों वाक इंटरव्यू के लिए है दोस्तों। इसमें जो है आपको इंटरव्यू लिखित NM प्रशिक्षण के अंदर जिला चिकित्सा परिसर जिला कांकेर में आप तक आयोजित किया जाना है। इसमें रिक्त पदों की जानकारी है दोस्तों। लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स और फार्मेसी, फिर डेंटिस्ट, ड्रेसर, इस प्रकार दोस्तों वैकेंसी आया है। तो दोस्तों टोटल मिला के जो है 111 पोस्ट के लिए आया है दोस्तों। और यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है जिसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन के लिए 15,000 दिया जाएगा पर मंथ, आपको स्टाफ नर्स के लिए 16,500 दिया जाएगा और फार्मेसी के लिए दोस्तों आपको जो है 15,000 दिया जाएगा और डेंटिस्ट के लिए भी 28,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको योग्यता भी दिया गया है। ड्रेसर के लिए आपको 14,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसके लिए योग्यता है 10+2, आपको पास होना है दोस्तों। अगर दोस्तों हम समय सारणी की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए दिनांक है और डेंटिस्ट, ड्रेसर, फार्मेसी के लिए और स्टाफ नर्स के लिए दिनांक अलग अलग दिया जाए दोस्तों। जैसे पंजीयन का समय रहेगा 10:30-1 बजे और दावा आपत्ति का समय रहेगा 1:30 से 2 बजे तक और साक्षात्कार एवं लिखित का एग्ज़ाम रहेगा आपको 3:30 से 4 और इंटरव्यू के लिए आपको जो है ANM ट्रेनिंग सेंटर जिला चिकित्सा कांकेर में होगा। संविदा भर्ती नियम और शर्त के चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यह विज्ञापन आपको जो है कांकेर जिले की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका फॉर्म मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और बात करें तो आपको जो है फॉर्म के साथ आपको जो है विकलांग और अन्य जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला, आपको पद पर प्रति महीना मानदेय 25,000 से कम वाले को 100 रुपये लगेगा, जिसमें आपको DD बनवा कर आपको जो है अपना लिफाफे जो है आप में आपको डाल देना है मूल प्रमाण पत्र। और जो है दोस्तों यह जो है पद का प्रति महीना आपको 25,000 से अधिक के लिए जो है 200 फॉर्म फीस लगेगा। DD बनवा कर अन्य पेशा वर्ग के लिए 200 लगेगा दोस्तों। 25,000 से कम वाले में, 25,000 से अधिक वाले में 300, नरक्षित में जो है 300 और जो है 25,000 से अधिक वाले में 400। जिसमें दोस्तों मानदेय के बारे में बात करें तो 16,500 और प्रति माह या 16,000 कम है तो उन पर जो है जिले के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी बोल रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम आयु के बारे में बात करें तो 1/1/2019 को 18 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। संविदा नियुक्ति जो है 31 मार्च 2020 तक लिए होगी। अगर अब इस फॉर्म को भर के आप जिस दिन आपके लिए यानी कि एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, यहाँ पर दिया 21/10/21/10, तो इस दिन आपको जो है अपना आवेदन पत्र, मूल प्रमाण पत्र, वाक इंटरव्यू और सभी को लेकर वहाँ पहुँचना है। आपको पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना है और आपको स्वयं उपस्थित होकर फॉर्म को जमा करना है। उसके बाद एक ही दिन में आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों। इस अगर स्टाफ नर्स और फार्मासिटी के लिए जा रहे हैं तो यानी कि अलग अलग दिन है इनके लिए, तो आपको अपना फॉर्म भर के साथ में ले जाना पड़ेगा DD बनवाकर, जो भी आपका फॉर्म फीस रहेगा उसके साथ। आपका चयन हो जाता है तो आपको यानी परिणाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के सूचना पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। तो आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह से है, इसको आपको प्रिंट कर लेना है, फॉर्म फिल करना है, DD बनवा लेना है। उसके बाद आपको जिस तिथि में आपको बुलाया जाएगा, जिस तिथि को आपका एग्ज़ाम है उस तिथि को सबको लेकर जाना है और वहाँ आपको जमा कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला दक्षिण बस्तर जो है दंतेवाड़ा से वैकेंसी निकाल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर जो है पत्र क्रमांक और यहाँ जो है 11/10 को जो है वैकेंसी आउट हो गए हैं। यहाँ दोस्तों कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के पत्र क्रमांक यह दोस्तों और यह 7/11/2019 के अनुसार से यह जारी हुआ है। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इसके लिए जो है जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संविदा पदों के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो 1/21 तक रहेगा। 1/21 तक के लिए पात्रता वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जो है रजिस्टर्ड डाक एवं सीधे पोस्ट के माध्यम से जो है दिनांक जो है 26 अक्टूबर तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक आपको आमंत्रित किया है, जिसमें वैकेंसी निम्नलिखित है दोस्तों। जिसमें फिजियोथेरेपी ने नर्स, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर फीमेल, फिर जो है आइडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी, सोशल वर्कर, ब्लॉक जो है सुपरवाइज़र, ब्लॉक मैनेजर, अकाउंटेंट, इसी प्रकार जो फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी नर्स, फार्मास्यूटिक नर्स, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, इसी प्रकार जो टेक असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक्स, यह दोस्तों टेक असिस्टेंट हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, OTC टेक्निकल, NM, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट, क्लीनर, इसी प्रकार दोस्तों बहुत से वैकेंसी आया हुआ है, तो इसका डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको और आप जिले की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और दोस्तों इसमें आप जो है 12वीं पास भी है भी है दोस्तों। 12वीं पास से आपको बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल तक के, आपको डिप्लोमा तक के भी आपको, और कंप्यूटर डिग्री भी आपको लगेगा दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता निम्न शर्त दोस्तों। पद क्रमांक अगर दूसरे के बारे में बात करें, नंबर 2 पर 1 से 21 तक के पदों के हेतु आप 70% प्राप्त अंक और 20% कौशल परीक्षा के अंक एवं जो राज्य कार्यालय के निर्देश अनुसार स्टाफ नर्स और NM पद पर निमितानी द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव के अंक पर आपको 4 अंक एवं अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जाएगा दोस्तों। अन्य उम्मीदवार हेतु प्रत्येक वर्ष 2 अंक और अधिकतम 10 अंक, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आवेदक हेतु 3 अंक और अधिकतम 15 अंक आपको दिया जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों तीसरे नंबर की बात करें तो आयुष मेडिकल ऑफिसर RBSK के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता BHMS, BAMS, BUMS के अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में दोस्तों BDS शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को लिया जाएगा दोस्तों। एक अगर आप एक से अधिक पदों के लिए वैकेंसी के लिए भर्ती के फॉर्म डालते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना पड़ेगा। और आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, आपको DD बनवाना पड़ेगा और वह है जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से बनेगा, जिसमें दोस्तों विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला के लिए अगर 25,000 से कम वाले पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये लगेगा, और अधिक वाले भी कर रहे हैं तो 200 रुपये लगेगा DD बनवाने के लिए। फिर अन्य पेशा के वर्ग के बारे में बात करें तो 25,000 से कम वाले के लिए 200, 25,000 से अधिक वाले के लिए 300, अनारक्षित वर्ग के बारे में बात करें तो 300 लगेगा दोस्तों, 25 से कम के लिए और अधिक के लिए 400 दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम जब और देख पाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। खंडिका नंबर 10 को पढ़े निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। और दोस्तों आपको जो है 11 नंबर पर बात करें जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है। और दोस्तों आप आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2019 का 18 वर्ष अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु और 64 वर्ष प्रतिबंधित पद के लिए होना चाहिए दोस्तों। फिर दोस्तों आप बात करें तो हम यहाँ पर आरक्षित वर्ग के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। बात करें दोस्तों पात्र मेरिट सूची के बारे में बात करें तो 18वें पर देख पा रहे हैं पात्र मेरिट सूची एवं चयन प्रक्रिया के पश्चात परिणाम दैनिक समाचार पत्र एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सूचना पटल पर आपको छपा दिया जाएगा, अथवा आप dantewada.go.in पर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि आवेदन पत्र प्रारूप जो है प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बसक जो है दंतेवाड़ा के नाम से आपको आवेदित पद का नाम डालना है। आवेदित का जो है नाम जो आवेदन करते हैं उसका नाम और फोटो चप करना है, और फॉर्म को जो है फिल करके आपको डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। और दोस्तों आपको जो है इसके फीस के लिए आपको जो है DD बनवाना पड़ेगा कौन कौन से पोस्ट के लिए डाल रहे हैं। अगर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और DD अलग अलग बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है देख सकते हैं आपके दोस्तों सोशल मीडिया ग्रुप में आप बिल्कुल शेयर करें।